blind Laodicea. How blind can we get? अंधे लुदुकियो, हम कितने अंधे हो सकते हैं? Blind Laodicea, the leading the blind of this age. अंधी लुदुकिया इस युग के अंधों की अगुवाई कर रही है. Under false pretense, under false creeds, under dogmas is false, under denomination is false, under creed books is false. झूठे प्रदर्शनों, झूठे मतसार, धर्म सिद्धांत जो झूठे हैं, नामधारी के अंतर्गत जो झूठे हैं, मतसार की पुस्तकें जो झूठी हैं. Oh, blind Laodicea, leading the blind, you're all headed for the ditch. ओ अंधी लुदिकिया, अंधे की अगुवाई कर रहे हैं, आप सब गड्ढे में गिरने जा रहे हैं. Change your filter tonight, preacher. प्रचार को आज रात्रि अपनी छलनियां बदल दो. Don't draw that denominational nicotine into your system of dogmas and creeds which Jesus said, whosoever shall add one word to it or take one word from it. नामधारी निकोटीन को अपनी नामधारी व्यवस्था में मत लो. धर्म सिद्धांत और मतसारों को जो यीशु ने कहा, जो कोई भी इसमें एक वचन भी मिलाए या इसमें से एक वचन निकाले. When you tell your congregation to strike them, women to do that, those men to do it, and all these things, that and the other, as long as they stay true to this and do that and keep these creeds and things, aren't you ashamed of yourself? जब आप अपनी भक्त मंडली को बताते हैं कि स्त्रियों के लिए ये करना ठीक है और वे पुरुष को ये करना और ये सारी चीजें और जो वो आदि, जब तक वे इसके लिए सच्चे हैं और ये करते हैं और इन मत्सारों आदि का पालन करते हैं, क्या आपको अपने पर लज्जा नहीं आती? Blind Pharisees, Jesus said. यीशु ने कहा, अंधे फरीसियो. And Jesus cried, blind Pharisees, the Holy Spirit, my own heart tonight cries, blind Laodicea. और जैसे यीशु चिल्लाया, अंधे फरीसियो, मेरे अपने हृदय में आज रात्रि पवित्र आत्मा चिल्लाता है, अंधी लुदिकिया. Oh, God would give you a revival, but now your time has come. It's too late now. कितनी बार परमेश्वर आपको बेदारी देगा, परंतु अब तुम्हारा समय आ गया है, अब ये बहुत देर हो गई. How did you laugh and make fun of the people that God sent to you, but now your time has come. तुम कैसे हंसे और उन लोगों का उपहास उड़ाया जिन्हें परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा, परंतु अब तुम्हारा समय आ गया. ओ यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ गॉड वुड हैव हवर्ड यू एज अ ब्रूड, हि डज दिस ब्रूड, बट यू वर नॉट. ओ संयुक्त राज्य, कैसे परमेश्वर तुम पर मंडराएगा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छिपाती है, परंतु तुम नहीं करोगे. Now this voice is going from coast to coast, from north to south, from east to west. अब ये आवाज एक से दूसरे किनारे, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाएगी. How God would have hovered you, but you would not. Now your time has come. परमेश्वर कैसे तुम पर मंडराएगा, परंतु तुम नहीं करोगे. अब तुम्हारा समय आ गया. Nations are breaking. The world is falling apart. राष्ट्र टूट रहे हैं और संसार टूट रहा है. 1500 mile chunk of it, 300 or 400 miles wide, or sink 100 or maybe 40 miles down into that great fault out yonder one of these days, and waves will shoot come out to the state of Kentucky. 1500 mile और 400 mile का टुकड़ा डूब जाएगा, या संभव है 40 mile नीचे उस महान भूमि की सतह में. इन्हीं दिनों में लहरें केंटकी प्रांत से टकराएंगी. And when it does, it'll shake the world so hard that everything on top of it will shake down. और जब ये होता है, ये संसार को इतनी जोर से हिलाएगा कि जो भी इसकी चोटी पर है वो नीचे आ जाएगा. Oh, hide me in the rock of ages. ओ मुझे युगों की चट्टान में छिपा लो. God, let me breathe upon me, Lord. Spirit of the living God, breathe on me. परमेश्वर मुझे प्रभु में जीवित रहूं. परमेश्वर के जीवित आत्मा में मुझे श्वास दिला. Let me take God's filter and live under that, Lord. मैं परमेश्वर की छलनी ले लूं और उसी से जीवित रहूं प्रभु. Let me breathe the fresh air of the Holy Ghost into my lungs and my soul each day that I sin not against you, O Lord. मैं पवित्र आत्मा की ताजी हवा में सांस लूं अपने फेफड़ों में, हर दिन अपने प्राण में. प्रभु, ये आपके विरोध में नहीं है.
Breathe on me, Holy Spirit, breathe on me. मुझे सांस दिला पवित्र आत्मा, मुझे सांस दे. Let me plant the word of God in my heart in purpose there that I'll not turn to the right hand or to the left hand away from it, but I'll live true to it all the days of my life. मुझे अपने हृदय में परमेश्वर का वचन बोने दो और उद्देश्य है कि मैं दाहिने नहीं घूमूंगा या बाएं इससे अलग, परंतु मैं अपने सारे जीवन के दिनों में इसके साथ सच्चा बना रहूंगा. Oh, Father God, then send down upon me the Holy Spirit of life to quicken those words to me that I might manifest Jesus Christ before those who are before me to looking for it to happen. Oh, पिता परमेश्वर, तो फिर मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का जीवन उतारें कि मेरे लिए वे वचन जीवित हो जाएं, ताकि मैं यीशु मसीह को जो मेरे सामने है प्रकट कर सकूं, जो ये घटित होने की प्रतीक्षा में है. That's my prayer. ये मेरी प्रार्थना है. Oh my, notice how they do today in those churches. Oh प्रभु, ध्यान दें, आज वे कैसे कलीसियाओं में कर रहे हैं. Sucking the people through those denominational filters into the ecumenical council. लोगों को नामधारी छन्नी के द्वारा चूस रहे हैं और उस ecumenical संगठन में ले रहे हैं. Why? Why? For it gives them the desire of their heart organization. क्यों? क्यों? क्योंकि ये उनके हृदय की इच्छा पूरी कर रहा है वो संस्था. They have a taste for organization. उसमें संस्था का स्वाद है. They'll do it. वे से करेंगे. Every time God sends them revival, they organize it. Is that right? हर बार परमेश्वर उनके पास बेदारी भेजता है और वे क्या करेंगे? उन्होंने इसे संस्थागत कर दिया है. क्या ये ठीक बात है? So they got their kind of filter because they've got a great taste. इसलिए उनके पास उन्हीं की तरह की छलनी है क्योंकि उनके पास महान स्वाद है. And now God's going to give them their desire, their taste. और अब परमेश्वर उनका स्वाद उनकी इच्छा के अनुसार देने जा रहा है. He's going to give them, they're sucking them right into the ecumenical council. And then they get their organizational taste then. वो उन्हें देने जा रहा है. वे उन्हें ecumenical समिति में चूस रहे हैं और फिर वे अपनी संस्था का स्वाद पाते हैं. They got it coming. वे इसे आता हुआ पा रहे हैं. ओ चर्च ऑफ लौदिकिया, डोंट बी डिसीव्ड इन दिस एज बाय देयर डिसेप्शंस. ओ लौदिकिया की कलीसिया, इस युग में धोखा ना खाओ उनके धोखे से. ओ पेंटिकॉस्ट, यू हैव गॉन इनटू लौदिकिया. ओ पेंटिकॉस्टलो, तुम जो लौदिकिया की कलीसिया में चले गए हो. यू आर पार्ट ऑफ लौदिकिया, द चर्च डेड थ्रू मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट एंड प्रेस्बिटेरियन. Just a ritualistic form. तुम जो लौदिकिया के भाग हो, मरी कलीसिया, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन से होते हुए कर्मकंडियों का रूप. But you Pentecostals who can still once in a while say amen. परंतु तुम पेंटिकॉस्टलो जो अभी एक बार आमीन कह सकते हो. Who can play a lot of music up on a platform and have bob-haired women dancing all over the place and still do believe in divine healing. कौन मंच पर इतना सारा संगीत बजा सकता है और बालकटी स्त्रियां सब स्थानों में नृत्य कर रही हैं और फिर भी दिव्य चंगाई में विश्वास करती हैं? How off God would have took you, but you took another filter, a denominational filter. How off God would have took you? कितनी बार परमेश्वर ने तुम्हें लिया है परंतु तुमने दूसरी छलनी ले ली, एक नामधारी छलनी. परमेश्वर ने कितनी बार तुम्हें लिया है? How deceiving it was. ये कितना धोखा देने वाला था. Matthew 24:24, Jesus said that it would deceive the very elected if it was possible. मत्ती 24:24, यीशु ने कहा कि यदि हो सके तो ये चुनेयों को भी धोखा दे दे. How close that you are, less like Eve, just leaving off one or two little things that you couldn't receive because you're organized and can't receive it. आप कितने समीप हैं हवा के समान. दो एक चीजों को छोड़ रहा हूँ, आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप संस्थागत हैं और इसे स्वीकार नहीं कर सकते. That's all it takes. Just might as well take the whole thing. बस इतना ही लेते हैं जितना कि इन सब बातों को ले सकते थे. For to offend in the least is guilty of the whole. ताकि कम ठोकर लगे पूरे का अपराधी ठहरे. Oh, Pentecost, Pentecost. Pass thy thinking through God's filter, not your denominational dreams, and you will come out with a holy man's taste, the true baptism of the Holy Spirit.
पेंतिकॉस्त अपने विचारों को परमेश्वर की छलनी से निकाल, ना कि अपने नामधारी के स्वप्नों से, और तुम पवित्र मनुष्य के स्वाद में बाहर आ जाओगे। पवित्र आत्मा का सच्चा बपतिस्मा। Could you imagine a man letting his wife cut her hair, wear shorts, or wear slacks, and say he's coming through a thinking man's filter? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य अपनी पत्नी को बाल काटने देगा और छोटे कपड़े पहनने या तंग पजामा पहनने और कहता है कि वो विचारशील मनुष्य की छलनी में से आ रहा है? Could you imagine a man doing a thing like that? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मनुष्य इस प्रकार की बातें करेगा? Can you imagine a preacher standing in the pulpit because he's paid good by a congregation that pats him on the back, calls him doctor, brother, reverend, takes him out to all kinds of parties where he mixed bathing and everything else on the beaches? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रचारक प्रचार मंच पर खड़ा हुआ है क्योंकि मंडली उसे अच्छा भुगतान करती है और जो उसकी पीठ थपथपाते और उसे डॉक्टर भाई आदरणीय कहते हैं और उसे सब प्रकार की दावतों में ले जाते हैं जहां वे तालाब में नहाना और हर प्रकार की चीजें मिलाते हैं समुद्र के किनारों पर? Could you imagine a man claiming he's coming through a thinking man's filter? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मनुष्य दावा कर सकता है कि वो विचारशील मनुष्य की छलनी से आ रहा है? Some of those women on the platform with their dresses above their knees and cuts so tight and shows every form, every move they make, and their underneath clothes showing through their dresses. और उनमें से कुछ स्त्रियां मंच पर अपने घुटनों से ऊपर के वेशभूषा के साथ और उभार इतने तंग कि उनके शरीर की रचना दिखाई पड़ती है, सारी क्रिया जो वे करती हैं और उनके अंदर के वस्त्र उनके वस्त्रों के ऊपर से दिखाई पड़ते हैं। Just as bad as wearing shorts, bikinis, or anything else. ऐसे ही खराब जैसे छोटे कपड़े पहने हुए हैं, नहाने का वस्त्र या कोई और चीज। You Pentecostal blind lady of sin preachers, how long will God suffer you? I don't know. तुम अंधे पेंतिकोस्तल लुदेशियन प्रचारक हो, कितने समय तक परमेश्वर तुम्हारी सहन करेगा मैं नहीं जानता। May God be merciful to your blind eyes. परमेश्वर तुम्हारी अंधी आंखों पर दयावान हो। He's got eyes tonight to open your eyes that you might see. आज रात्रि उसके पास सुरमा है कि तुम्हारी आंखें खोल दे ताकि तुम देख सको। As I said this morning, we're in the seeing age, the top. There's no more faculties above that you can move outwardly to know. जैसा कि मैंने आज प्रातः कहा, हम देखने वाले युग में हैं, चोटी पर। इसके ऊपर और कोई इंद्री नहीं है कि आप बाहर की ओर जाएं कि जाने। You, from your nose you can smell, from your lips you can speak, from your hands you can feel and reach and your feet and so forth, but you can't go farther than your eyes. आप अपनी नाक से सूंघ सकते हैं, अपने होठों से बोल सकते हैं, अपने हाथों से अनुभव कर सकते हैं और पहुंच कर सकते हैं और अपने पांव आदि से, परंतु आप अपनी आंखों के आगे नहीं जा सकते। Malachi 4 has come. Sight. मलाकी 4 आ गया है। दृष्टि। It shall be light about the evening time. और सांझ के समय के ऊपर उजियाला होगा। Oh, walk in the light. ओ उजियाले में चलो। We'll walk in the light, a beautiful light that comes for the dewdrops of mercy are bright. हम ज्योति में चलेंगे, एक सुंदर ज्योति। ये वहाँ से आती है जहाँ दया की बूंदें चमकती हैं। Shine all around me by day and by night. Jesus, the Word, the light of the world. मेरे चारों ओर दिन रात चमकती है यीशु वचन, संसार की ज्योति। Yes, sir. जी हाँ श्रीमान। Pass through it, oh brother, and you will come out with a holy man's taste with the Holy Ghost. ओ भाई, इसमें से होकर निकलो और आप पवित्र मनुष्य के स्वाद के साथ बाहर आएंगे, पवित्र आत्मा के साथ। Oh woman, just pass your modern thinking of dress. ओ महिला, अपने आधुनिक वस्त्र के विचार से आगे निकल। Pass your modern thinking before you go out on the street before men, you young women, you old women. Before you go out on the street with your clothes so tight pushed out in the back and front. अपनी आधुनिक विचारधारा को छोड़, इसके पहले तू बाहर सड़क पर मनुष्य के सामने जाए, तुम युवा स्त्रियों, तुम बूढ़ी स्त्रियों, इसके पहले कि तुम वस्त्र पहन कर सड़क पर जाओ, अपने तंग वस्त्रों के साथ आगे और पीछे से बाहर निकले हुए। I'm not critical.
I'm your brother. मैं आलोचक नहीं, मैं आपका भाई हूँ. I stand between the living and the dead and realize what I'm saying. मैं जीवते और मरे हुओं के बीच में खड़ा हूँ और अनुभव करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ. Before you enter out and know that your body is a sacred order, a sacred cast that God has given you. Before you enter the street dressed like that, pass your mind through a thinking woman's filter. इसके पहले कि तुम बाहर आओ और जानते हो कि तुम्हारी देह एक पवित्र व्यवस्था है या एक पवित्र ढांचा है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, इसके पहले कि तुम इस प्रकार के वस्त्र पहनकर बाहर सड़क पर निकलो, अपने विचारों को विचारशील महिला की छलनी में से छान लो. And let it remember that whosoever looks upon you to lust at you, you have committed adultery with him already. और ये स्मरण रहे कि जो कोई तुम्हें कुदृष्टि से देखे तो तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया. Remember that, sister. बहन, इसे स्मरण रखें.